Welcome class, I am Durgesh Kumar Pandey. Class, today I am going to explain a chapter of class 11th and the name of this chapter is The Constitution. And in this chapter we will going to discuss a topic, directive principle of the state policy. First of all, I would like to introduce about the directive principle of the state policy. First, you know what is directive principle of a state policy. These are the guidelines for a state. Ki what will be the responsibility of a state, what is the function of the state, and what should be duties of a state. राज्य को गाइडलाइंस मिलते हैं स्टेट को, तो दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लास इन पार्ट 4 फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. लाइक आर्टिकल 37 इज सेइंग कि इफ द स्टेट इज नॉट फॉलो दिस गाइडलाइंस तो नो वन कैन गो कोर्ट. अब कोर्ट नहीं जा सकते. इट इज डिपेंड अपॉन द पर्सन. इट इज डिपेंड अपॉन द स्टेट. इट इज डिपेंड अपॉन द स्टेट कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की गाइडलाइंस को फॉलो करें चाहे ना फॉलो करें. अगर वो फॉलो नहीं करता तो यू कैन नॉट गो इन द कोर्ट. आप कोर्ट नहीं जा सकते. एंड दिस इज सेइंग आर्टिकल नंबर 36 आल्सो क्लास. आर्टिकल 17 इज सेइंग कि इफ द स्टेट इज नॉट फॉलो दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी तो नो वन कैन गो कोर्ट. क्लास द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन knew that the independent India was going to face many challenges. जो हमारे constitution maker थे वो जानते थे कि आज़ाद भारत को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है. Foremost among these was the challenges to bring about equality and well-being of all. और इसमें सबसे जो मुख्य चुनौती थी उसमें लोगों में समानता, equality लाना और लोगों का well-being of all citizen, भारत के सभी नागरिकों का भला करना था. They also thought that the certain policy different was required for handling these problem. They also thought that the certain policy direction was required to handling these problem. और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को मालूम था कि हमारे इंडिया के जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी. एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट वांट फ्यूचर गवर्नमेंट टू बी बाउंड बाय सर्टेन पॉलिसी डिसीजन. और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ये भी चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी जो है किसी निश्चित पॉलिसी या डिसीजन से बंधे ना हो. ठीक है. Therefore, some guidelines were incorporated in the constitution, but they were not made legally enforceable. इसीलिए क्लास की कुछ गाइडलाइंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है नहीं है. जो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है. दिस मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट डज नॉट इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर गाइडलाइंस तो वी कैन नॉट गो इन टू द कोर्ट्स. अगर ठीक है, अब हम न्यायालय नहीं जा सकते अगर हम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं है तो. आस्किंग द कोर्ट टू इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी. और हम न्यायपालिका जा करके उससे न्यायपालिका के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिलवा सकते कि राज्य को ये कहना चाहिए. दस दीज गाइडलाइंस आर नॉन जस्टिएबल. इसीलिए इस गाइडलाइंस को क्या बोलते हैं, नॉन जस्टिएबल. दैट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाई द जुडिशी. यानी कॉन्स्टिट्यूशन का वह पार्ट जो जुडिशी के द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन जस्टिएबल. क्लास एंड
Those who frame our constitution thought that the moral force behind these guidelines would ensure that all the government would take them seriously. देखो क्लास, जो पॉलिसी बनाई गई, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाया उसके पीछे कुछ मोरल वैल्यूज़ है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि राज्य ये फॉलो करेगा, राज्य उन चीज़ों के को सीरियसली लेगा. बिसाइड दे एक्सपेक्टेड दैट द पीपल वुड आल्सो होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस एक्टिविटी. बिकॉज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इन डायरेक्शंस के हिसाब से काम करने के लिए जिम्मेदार है. सो अ सेपरेट लिस्ट ऑफ द पॉलिसी गाइडलाइंस इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए संविधान में एक अलग ही पूरा लिस्ट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का गाइडलाइंस लिखा है. द लिस्ट ऑफ दीज गाइडलाइंस कॉल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. तो यह जो लिस्ट है जो चीज़ों की जो राज्य के कर्तव्यों को बताता है वो स्टेट पॉलिसी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है. क्लास देखो, व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कंटेन. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या क्या है, जैसे कुछ गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं. वी एज ए सोसाइटी शुड अडॉप्ट, हम मानव समाज के सदस्य होने के नाते गोल और ऑब्जेक्टिव दोनों को ध्यान में रखें. सर्टेन राइट्स एंड द इंडिविजुअल इंजॉय अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स. कुछ सर्टेन राइट्स हैं दैट इंडिविजुअल वुड इंजॉय अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल एंड सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्टेड. देखो क्लास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज ए सोसाइटी शुड अडॉप्ट. मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स हैं क्या हैं, एज ए सोसाइटी एक समाज के सदस्य होने के नाते समाज के प्रति, समाज के लिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं और गोल्स हैं दोनों को ही अडॉप्ट करती है. सर्टेन राइट्स एज द फंडामेंटल राइट्स शुड इंजॉय अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल शुड इंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट. कुछ ऐसे राइट्स हैं जो इंडिविजुअल जो है फंडामेंटल राइट के साथ साथ चीज़ें इंजॉय करता है. एंड सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्टेड, कुछ ऐसी पॉलिसियां जो कुछ गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है. तीसरी चीज़ क्लास, सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्टेड. तो यू मे गेट सम आइडिया ऑफ द विजन ऑफ द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई लुकिंग एट सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोन हियर ऑन द ब्लैक बोर्ड क्लास. तो क्लास, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में जो बातें लिखी गई हैं, टाइम टू टाइम जो हमारी गवर्नमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करती है. जैसे क्लास, जिम्मेदारी अबोलिशन बिल ये पास हुआ, जिम्मेदारी सिस्टम ख़त्म हो गई. नेशनलाइज बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया क्लास. इनेक्टेड न्यूमरस फैक्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्रीज चालू की गई. फिक्स मिनिमम वेजेस, जो वर्कर्स के उनके वेजेस फिक्स किए गए. कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज वेयर प्रमोटेड, कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोपोगेट किया गया. एंड प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबर्स मेड. बहुत सारे रिजर्वेशन के ऐसे प्रोसीजर बनाए गए जिससे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबर्स को ऊपर उठाया जा सके. सच एफर्ट टू गिव इफेक्ट सम एफर्ट्स लाइक राइट टू एजुकेशन, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री एंड पार्शियल राइट्स टू वर्क एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एंड द मिड डे मील. दीज आर द प्रोग्राम विच आर इम्प्लीमेंटेड द गवर्नमेंट
and taking the guidelines from type 2 principle of state policy class. Class the directive principle of state policy, like it is the responsibility of the state to protect the environment. It is the responsibility of the state to provide free children's bill from 6 to 14 year free and free education, and so many rights ki jo workers ke rights hain, jo poor log hain unko bhi न्याय पाने का अधिकार है. ये सारे गाइडलाइंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखे हैं. क्लास देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो गोल्स हैं, यानी कि उनके लक्ष्य क्या हैं, एक आदर्श के रूप में लोगों का वेलफेयर करना, वेलफेयर ऑफ द पीपल, यही गोल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का. एंड सोशल, इकोनॉमिकल एंड पोलिटिकल जस्टिस, ठीक है, ये भी लोगों को देना, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की गाइडलाइन में शामिल है. और क्या गोल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की? रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की स्टैंडर्ड लिविंग को हाई बनाना. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को लोगों के बीच में बराबर बराबर बंटना. तो ये तो क्लास गोल्स हो गए. एंड व्हाट आर द पॉलिसी? देखो, जो नीतियाँ बनाई गई वो क्या क्या थी? डिसीजन लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लीकर, फॉर्मेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल. मतलब जो यूजफुल कैटल्स हैं उनको किल करना, उसको रोका गया है. एंड प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, और विलेज पंचायत को बढ़ावा देना. दीज आर द पॉलिसीज. अब देखो क्लास, नॉन जस्टिबल राइट्स क्या क्या हैं, जैसे एडुकेट, लिवलीहुड, इक्वल पे फॉर, इक्वल वर्क फॉर द मैन एंड वुमेन, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉटेशंस, राइट टू वर्क, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेट टू चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 6 ईयर. दीज आर द राइट्स नॉन जस्टिबल. मीन्स अगर ये राज्य नहीं अगर आपको अवेलेबल कराते हैं तो यू कैन नॉट गो इन द कोर्ट. लाइक इक्वल पे फॉर, इक्वल वर्क फॉर द मैन एंड वुमेन. देखो क्लास है, रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट. देखो क्लास है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. एंड फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग. फंडामेंटल राइट्स सरकार को कुछ कार्य करने से रोकती है. वेल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, एक्सॉर्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग. वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए कहती है, ठीक है, कि आप सरकार को क्या क्या करना चाहिए. फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल. जो फंडामेंटल राइट्स है, इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. वेल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इंश्योर द वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी. जबकि पूरी इंटायर सोसाइटी के वेलबींग को कौन इंश्योर करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है. जो फंडामेंटल राइट्स वो इंडिविजुअल के प्रोटेक्शन के लिए है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूरी सोसाइटी के वेलबींग के लिए है. देखो क्लास, समय के साथ व्हेन द गवर्नमेंट इंटेंड टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब राज्य ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो इट कैन कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस. जो जब सरकार ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो यह जो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स करने लगी.
ऐसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जैसे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्लास हमारी गवर्नमेंट ने जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, जैसे जिम्मेदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, तो ड्यू टू दिस इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। बड़े बड़े जमींदारों ने इसका विरोध किया एंड लेकिन जैसे राइट टू प्रॉपर्टी उनका उस समय फंडामेंटल राइट्स था, तो दे वो सरकार के वर्क्स को अपोज किए, उनके फंक्शंस को, कीपिंग इन माइंड दैट द सोशल नीड्स दैट आर ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यद्यपि इन्होंने दिमाग में लिखा सोशल नीड्स दैट आर ग्रेटर देन द इंडिविजुअल नीड्स, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करने का जो रीजन था कि वो समाज के भले के लिए हैं, इंडिविजुअल की बजाय समाज के का भला करते हैं इसलिए बेहतर हैं। तो जो जमींदार थे राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के कोर्ट चले गए ऑन दिस वाज अ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। बहुत ही विवाद चला, सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए नई नई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, बट इससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो रहे थे। मामला कोर्ट में गया, लाइक केशवानंद भारती केस, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ खड़े होते हैं कि द गवर्नमेंट क्लेम दैट द राइट कैन बी एवरेजेस फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सरकार का कहना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कम करना पड़ेगा, उनको उनका वायलेशन करना पड़ेगा। द एग्रीमेंट शुड दैट द राइट्स वेयर हिंडरनेस टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और द आर्गूमेंट अज्यूम दैट द राइट्स वेयर अ हिंडरनेस टू वेलफेयर ऑफ द पीपल। और लोगों का ये भी कहना है कि भाई राइट्स हैं तो राइट्स तो ऑलरेडी लोगों का वेलफेयर करते हैं। तो ऑन अदर हैंड्स द कोर्ट हैड द व्यू दैट द फंडामेंटल राइट्स वेयर सो इम्पोर्टेंट की एंड स्क्योर दैट दे कैन नॉट बी लिमिटेड इवन फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर कोर्ट ने बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स का को आप काट नहीं सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स एंड दे आर वेरी स्क्योर्ड, नो वन कैन वायलेट दिस। तो ऐसा ये केस था क्लास राइट टू प्रॉपर्टी एंड सरकार और गवर्नमेंट एंड जुडिशरी में काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, और लास्टली केशवानंद भारती केस में सरकार ने 1973 में एक डिसीजन दिया कि देयर इज अ सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उस बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल पार्ट है, नो वन कैन और अमेंडमेंट पावर का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट उसमें चेंज नहीं कर सकती। तो 1973 के केशवानंद भारती केस में द गवर्नमेंट इज सेइंग कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो फिर बाद में बाद के समय में जो सरकारें आई, जिससे जनता पार्टी की सरकार आई, तो ही वॉज अमेंड, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया उन्होंने कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी चूँकि हमारे बेसिक राइट्स नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए उसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से बाहर करते हुए उसको अबॉलिश कर दिया। 44th अमेंडमेंट के थ्रू 1977 में राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी लिस्ट से ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था। क्लास देखो, क्लास द गवर्नमेंट वॉज सेइंग दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में अमेंडमेंट हो सकता है। द कोर्ट वॉज सेइंग दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एन अमेंडमेंट दैट वायलेट द फंडामेंटल, जबकि कोर्ट का ये कहना है कि
पार्लियामेंट कोई ऐसा काम नहीं कर सकती, कानून नहीं बना सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो या लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। और जबकि सरकार का कहना है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है और अमेंडमेंट कर सकती है। तो दिस कंट्रोवर्सी वॉज सेटल्ड बाई अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती। तो दिस थिंग वी ऑलरेडी डिस्कस। तो क्लास जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते समय जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के साथ जो क्लैशेज आए वो अब सॉल्व होते हैं, और जो ये जो थ्योरी है बेसिक स्ट्रक्चर का, इट वाज अ वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल, लोगों के बीच में या जुडिशरी में बहुत ही पॉपुलर है। एंड नाउ क्लास इन दिस चैप्टर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज वी आल्सो डिस्कस अबाउट की देयर आर सिक्स फंडामेंटल राइट्स क्लास, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज। दीज आर द सिक्स फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लास। फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स इज क्लास राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी लाइक आर्टिकल 14 इज सेइंग एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 इज सेइंग कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ प्लेस। एंड आर्टिकल 16 इज सेइंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एंड आर्टिकल 17 इज सेइंग कि अबोलिशन of untouchability, and article 19 is abolish the title class. Class next fundamental right is right to freedom. Dekho class, article 19 is you have give six fundamental rights. Say every person have a right to freedom of expression and speech, assemble peacefully, make the association movement in all over the country without any restriction, and recite any part of the country, and opted any occupation. So these are the six things. First is right to freedom of expression, association, and peacefully assemble, movement किसी भी कंट्री में कर, कंट्री के किसी कोने में कर सकते हैं, सेटल्ड कहीं भी रह सकते हैं, एंड कोई भी ऑक्यूपेशन ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। ऐसे क्लास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन में है, जिससे आर्टिकल 23 सेइंग प्रोहिबिशन ऑफ टैरिफ इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेवल पे प्रतिबंध लगाता है। सिमिलरली आर्टिकल 24 इज सेइंग प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन हजार्ड्स ऑफ आर्टिकल 24। तो थर्ड फंडामेंटल राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन। एंड जो फोर्थ है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि फ्रीडम ऑफ कंसाइन एंड फ्री प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल आपका 25 है, 26 में बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, फ्रीडम टू सेटल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्लास। एंड सिमिलरली एंड कल्चरल एजुकेशनल राइट्स के बाद नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स क्लास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज कि यू हैव अ राइट टू मूव कोर्ट इफ एनी वन इज वायलेटेड योर फंडामेंटल राइट्स तो यू हैव अ राइट टू गो कोर्ट दिस इज सेइंग आर्टिकल 32 द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। इसके अलावा क्लास अगर कोई कंप्लेंट जाती है सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के, तो सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू द रिट्स लाइक हबीस कॉर्पस, मैंडमस, सर्चरी प्रोहिबियो और को वेरेंगो। दीज आर द रिट इश्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट
to those person who are working as a violation of fundamental rights clause. Thank you.